हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री की पॉइंट्स। ये सैट 2018 जून में 4 मार्क्स का पार्ट सी में एक क्वेश्चन आया था जो ऑर्गेनोमेलिक के वाकर प्रोसेस से रिलेटेड था। तो जो है हम देखेंगे कि इसका जो है राइट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर दिया है फॉर द वाकर प्रोसेस पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन दिया पी डी, सेकेंड इज रिड्यूस टू पी डी जीरो बाई सी यू सेकेंड, एंड बी जो ऑप्शन दिया हुआ है पी डी जीरो इज ऑक्सीडाइज टू पी डी सेकेंड बाई सी यू सेकेंड, एंड जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सी एंड सी यू सेकेंड प्रमोट द रिडक्टिव एलिमिनेशन। द करेक्ट आंसर इज, तो ठीक है 4 ऑप्शन दिए हुए जो, तो इसमें हम देखेंगे कि जो है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं वाकर प्रोसेस की। तो वाकर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन ओलिफिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड को कैटालिस्ट टू प्रोड्यूस कार्बोनिल डेरिवेटिव्स। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें एडिशन होता है ओलिफिन पे, यानी डबल बॉन्ड पे होता है, एल्किन पे होता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे एल्किन है, इथाइलिन, और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बाय द वे यहाँ पे क्या करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का एल्किन लेते हैं तो क्या होता है, वो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे कैटालिस्ट की बात करते हैं, तो कैटालिस्ट जो है वो पी डी प्लस टू स्टेज में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस टू होना चाहिए, जिसे हम पी डी सेकेंड भी ले सकते हैं। यहाँ पे पी डी सी एल टू है। अब जानते हैं कि सी एल पर क्या होता है, 1- होता है, और यहाँ पे टू क्लोरीन है तो 2- होगा, इसका मतलब पी डी पे क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं तो पी डी सी एल फोर है, तो इसमें देख रहे हैं -4 हो जाएगा, जो 2- है तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर भी प्लस टू आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पी डी का जो है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी पी डी सेकेंड है। अब इसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो सी यू सी एल टू होता है, जो 2+ स्टेज में होता है। कभी कभी हम यूज करते हैं सी यू सी एल फोर पर 2- भी यूज होता है, जिससे हम सी यू सेकेंड भी कहते हैं। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो प्लस टू होता है, और इसलिए इसे हम बोलते हैं कि यह सी यू सेकेंड है। अब रिएक्शन फॉर द वाकर प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में जानते हैं पी डी सी एल फोर पर 2- है, तो पी डी सी एल फोर क्या है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो पी डी जो है वो सेकेंड हम इसको बोलेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस, अगर हम क्या कर रहे हैं, इथाइलिन का यूज़ कर रहे हैं और प्लस वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और पी डी 2+ जो है वो पी डी 0 में चेंज हो जा रहा है। ठीक, एन टू एस सी एल प्लस टू सी एल माइनस। ठीक, अब यहाँ पे जो पी डी है, यहाँ पे एक्टिवेटेड था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, पी डी 0 में होगा। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, तो यह क्या होगा, पी डी जो होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको हम एक्टिवेट करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, उसमें को कैटालिस्ट यूज करते हैं सी यू सी एल टू। ठीक है, यहाँ पे सी यू सी एल टू है जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब जो सी यू है वो सेकेंड बोलेंगे इसको। ठीक है, तो सी यू सेकेंड हो जाएगा, जो पी डी से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 क्लोरीन भी ऐड करेंगे, क्लोरीन से भी रिएक्ट करेंगे, जो यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, और उसके बाद जो है रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, या पी डी जो होता है वो 0 से क्या होता है, प्लस 2 में फिर से चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, पी डी सी एल 4 फिर से क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस सी यू सी एल में, यानी सी यू सी एल टू जो होगा प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगा, रिड्यूस होकर प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, और सी यू सी एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यह जो डीएक्टिवेट जो सी यू सी एल होगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी यू सी एल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन और एंड एस एल के साथ, तो क्या होगा, सी यू सी एल सी एल टू बनेगा, सी यू सी एल टू बनेगा, और प्लस H2O बनेगा, जो यानी सी यू सी एल टू क्या है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आ जाएगा, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, जो है क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगा। अब नेट जो है रिएक्शन देखते हैं, तो नेट रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये, तो यहाँ पे देख रहे हैं पी डी क्या है, 0 में है, यहाँ पे पी डी 0 है, यहाँ पे हमने 2Cl- लिया है, यहाँ पे 2Cl- लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे CuCl2 है, यहाँ पे CuCl है, CuCl है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे भी क्या है, HCl है। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं पी डी Cl4 है 2- में, यहाँ पे पी डी Cl4 है 2- में, तो इस टाइप से क्या है, मोस्टली सभी कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो बच क्या रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C2H4 है। ठीक है, C2H4 है, प्लस हाफ O2 है, एंड CuCl2 भी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, हाफ CL2 हाफ O2 हो जाएगा, और प्लस और कुछ तो यहाँ पे
यहाँ पे वाटर भी है तो वाटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन में सी टू एच फोर है एंड उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं है और थर्ड में ओ टू है, ये रिएक्ट करता है तो क्या बनना है, यहाँ पे देख रहे हैं एसीटल डीहाइड है तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच थ्री, ठीक है सी एच थ्री हो जाएगा, सी एच ओ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें सेकेंड में देख रहे हैं सब कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि जो है ऑप्शन की, तो ऑप्शन में दिया हुआ है पी डी सेकेंड इज रिड्यूस टू पी डी जीरो बाई सी यू सेकेंड, तो अगर हम स्टेप फर्स्ट में देख रहे हैं तो पी डी जो है वो सेकेंड में है, ठीक है, और उसके बाद सी टू एच फोर है और वाटर है रिएक्ट किया है, और उसके बाद एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया है, और पी डी जीरो में है एस सी एल एंड टू सी एल, यानी जो है यहाँ पे टू सेकेंड यानी पी डी सेकेंड से जीरो में तो कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एल्कीन और वाटर यूज हुआ है, यहाँ पे सी यू फर्स्ट यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो क्या है वो इनकरेक्ट है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, पी डी जीरो इज ऑक्सीडाइज टू पी डी सेकेंड बाई सी यू सेकेंड, तो पी डी जीरो है जिसमें यह डीएक्टिवेट जब हो जाता है तो इसमें क्या होता है एक्टिवेट करने के लिए हम सी यू सेकेंड या सी यू सी एल टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सी यू सेकेंड का यूज हुआ है और यहाँ पे पी डी सी एल टू सी एल फोर एंड टू माइनस यानी पी डी सेकेंड में क्या हुआ है चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है यानी बी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी पी डी जीरो क्या हुआ पी डी सेकेंड में कन्वर्ट हो गया सी यू सी एल टू से, ठीक है, तो यानी जो बी ऑप्शन हो वो राइट ऑप्शन है। अब उसके बाद सी का देखते हैं, तो सी यू सेकेंड प्रमोट द डिडक्टिव एलिमिनेशन, तो ये केवल सी यू सेकेंड जो होता है वो को कैटालिस्ट होता है जो कैटालिस्ट को क्या करता है वो एक्टिवेट करता है, यानी पी डी जब जीरो जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं डीएक्टिवेट हो रहा है, जब एक्टिवेट करने के लिए हम सी यू सी एल टू यानी को कैटालिस्ट का यूज करते हैं, और यह क्या करता है पी डी जीरो को पी डी सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है, बस इसका यूज यही होता है कि यह क्या करता है प्रमोट करता है यानी एक्टिवेट कर देता है पी डी को, ठीक है। तो इन्हें यानी जो है इसका जो है रिएक्टिव एलिमिनेशन में कोई उसका ज़्यादा यूज कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो भी क्या है इनकरेक्ट है, यानी अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो फोर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो अगर जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा दोस्तों वो जो होगा कैटालिटिक साइकिल फॉर द वॉकर।